कमाल की गाड़ी रेस शुरू होते ही सामने से आती कार से टकरा गई। इंतजामिया पर शदीद बरहम और ये हादसा जो कि पेश आया आज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में, जब रेसर मलिक जमाल की गाड़ी जो कि काफ़ी आगाज से ही आ रही थी सामने से, कि सामने से आने वाली कार से वो टकरा गई और इंतजामिया अब उन्होंने यहाँ पर काफ़ी गुस्सा किया है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी मुर्तजा से। चौधरी मुर्तजा, ये सामने से आने वाली गाड़ी किस तरह आ गई यहाँ पर? जी, ये मुल्क का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से, डीटीसीपी की जानिब से जो है वो खातिर ख्वाह इस दफा की इकदाम नहीं किए गए। सिक्योरिटी की जानिब से भी कोई जो है वो खातिर ख्वाह इकदाम नहीं थे। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई है तो मलिक जमाल की गाड़ी ट्रैक से जैसे ही फ्लैग ऑफ हुआ है तो आगे ही आती हुई एक कैरी डब्बे से जो है वो टकरा गई है और वो रेस से बाहर हो गए। तो जो रेसर्स हैं वो काफी बरहम नजर आ रहे थे जिले इंतजामिया के ऊपर। सही, तो इंतजामिया ने कोई मौकिफ दिया इस बारे से? जी, इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह कोई इकदाम नहीं किए गए। ट्रैक के ऊपर जो है वो लोगों की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है, वरना जो पिछला इवेंट था उसके अंदर खातिर ख्वाह इकदाम थे। रेसर भी जो है वो बेहतर तरीके से उन्होंने रेस का जो है मुजाहरा किया था, लेकिन इस दफा उन्हें काफी दिक्कत महसूस हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक महीद, आपसे मज़ीद भी हम बात करेंगे। चोलिस्तान जीप पर रैली जहां से मुर्तजा हमें अपडेट कर रहे थे, प्रीपेड कैटेगरी में रेसर मलिक जमाल की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। मलिक जमाल की गाड़ी रेस शुरू होते ही सामने से आती कार से जो कि कैरी डब्बा है उससे टकरा गई और रेसर इंतजामिया पर शदीद बरहम दिखाई दिए हैं। कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए जिसके बाद से हादसा पेश आया। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर देंगे जहां पर ताजर बरादरी महंगाई के खिलाफ सरापा है।